नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडल 15 के बारे में, जो कि लुकोरिया के समय पे महिलाएं जो हैं इस्तेमाल कर सकती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एडल 15 जो है वो किन सिम्टम्स में काम आती है और उसकी डोसेज क्या रहनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो डली हुई हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं एडल 15 के बारे में। एडल 15 जो है वो महिलाएं इसका यूज़ कर सकती हैं अगर उनको लुकोरिया की शिकायत रहती हो, वेजाइनल डिस्चार्ज होता हो जो कि वाइट कलर का हो या फिर येलो कलर का हो, और साथ ही उससे आने वाले जो सिम्टम्स हैं या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता हो, ऐसे सिचुएशन में एडल 15 का यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ इचिंग की शिकायत हो या वहाँ पेन हो रहा हो या आपको वो लग रहा हो वो बहुत ज़्यादा एक्रिड हो, जिसकी वजह से आपको जलन होती हो, तब आप एडल 15 का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हैं जो कि लुकोरिया में काम आती हैं और यूटराइन प्रॉब्लम्स में काम आती हैं। सबसे पहले मेडिसिन इसमें डली है एसिडम सल्फ्यूरिकम, जो कि महिलाओं को अगर वीकनेस हो रही हो, साथ ही वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो जो कि वाइट कलर का हो और उसकी वजह से उनको खारिश रहती हो, ऐसी सिचुएशन में हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि एडल 15 के अंदर डली हुई है। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन डली हुई है कैल्शियम फ्लोर, जो कि ऐसी महिलाओं में काम आती है जिनको लुकोरिया की शिकायत तो रहती ही हो, साथ ही उन लोगों को ब्रेस्ट के अंदर भी पेन फील होता हो, इन्फ्लामेशन अगर किसी पार्ट में होती है तब हम इस दवाई का यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों की ब्रेस्ट में भी इन्फ्लामेशन रहती हो और आप वाइट डिस्चार्ज से या जो आपका लुकोरिया है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, तब आप कैल्शियम फ्लोर का यूज़ कर सकती हैं और एडल 15 के अंदर ये डला हुआ है। इससे अगली मेडिसिन इसमें डली है हेलोनियास डायोइका, जो कि ऐसी महिलाओं के ऊपर असर करती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस रहती हूँ, एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, थकान ज़्यादा महसूस करती हूँ अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से, और साथ ही जिनके अंदर लुकोरिया की शिकायत रहती हो और लुकोरिया के साथ साथ जिनकी बैक के अंदर दर्द रहता हो, बैकएक होता हो, जो कि उनका बैकएक हिप बोन्स तक जाता हो, उनके पेल्विक एरिया तक जाता हो, साथ ही उनका जो लोअर लिम्ब है उसमें भी उनको दर्द महसूस होता हो, ऐसी महिलाओं को हम ये दवाई देते हैं। जो महिलाएं काम करते हुए तो ठीक रहती हैं पर जैसे ही वो काम अपना छोड़ देती हैं, साथ ही स्ट्रेस आ जाता है, उसके साथ ही उनको ये परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनको ये मेडिसिन दी जाती है। हेलोनियास जो है वो एडल 15 के अंदर भी डली हुई है, तो जिन महिलाओं को ये सब परेशानियाँ आ रही हैं वो एडल 15 का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे अगली दवा की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस डला हुआ है, जो कि येलो कलर का या थिक जो आपका लुकोरिया होता है, ऐसी सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उन महिलाओं को जो कि मेनोपॉज के टाइम पर उनको लुकोरिया होता हो, मेनोपॉजल सिम्टम्स साथ में आते हों, ऐसी महिलाओं के ऊपर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और एडल 15 के अंदर डली हुई है। तो एडल 15 जो है वो अगर आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में आपको लुकोरिया आ रहा है, उस दौरान में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तब आप एडल 15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवा जो है क्रियोजोटम इसके अंदर डली हुई है। क्रियोजोटम जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश हो जाए अगर लुकोरिया के समय पर, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती हो, ऐसे समय पे हम क्रियोजोट का यूज़ करते हैं, और साथ ही अगर आपका लुकोरिया येलोइश ग्रीनिश कलर का हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके यूटराइन के अंदर इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं या वजाइना के अंदर इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं और उस समय पे आपके डिस्चार्जेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वजाइनल डिस्चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो चुके हैं, यानी कि उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, बदबूदार लुकोरिया हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में क्रियोजोट दिया जाता है जो कि एडल 15 के अंदर डला हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में आप लोग एडल 15 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर डली हुई है पल्सेटिला। पल्सेटिला एक ऐसी दवा है जो कि अधिकतर लेडीज़ को सूट कर जाती है, और जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा सैड रहती हों या जो बहुत इमोशनली वीक हों, जो लोग बहुत जल्दी रोने लग जाती हों और उनको साथ ही उनके लुकोरिया की परेशानी हो या फिर मेंसेस की परेशानी हो, ऐसे सिचुएशन में पल्सेटिला दी जा सकती है और उनकी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। और पल्सेटिला जो है वो एडल 15 के अंदर भी डली हुई है। तो जिन लोगों को लुकोरिया से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो इस दवाई एडल 15 का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेज की। आप इसकी 20 ड्रॉप्स जो हैं दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकती हैं, पानी के अंदर डाल के 1/4 कप पानी के अंदर, 1/4 वाटर 1 कप के अंदर लेकर आप उसमें 20 ड्रॉप्स इस एडल 15 के ऐड कर सकती हैं और उसका सेवन जो है कर सकती हैं। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और अगर आपको हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जो है शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।